हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लर्निंग 111। दोस्तों, अब जैसा कि सर्दियां शुरू होने वाली हैं या कुछ लोगों के लिए शुरू हो चुकी हैं, जिन लोगों को ज़्यादा ठंडी लगती है उनके लिए ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सर्दियों के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं और ये ठंडी ठंडी हवाओं के चलने के साथ साथ हमारी स्किन भी रूखी और बेजान होना शुरू हो गई है। जैसे हम अपने हाथ की उंगली से या नाखून से जब हम अपनी स्किन को स्क्रैच करते हैं तो हमारी स्किन पर जो वाइट वाइट स्क्रैचेस से आने लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी स्किन अब बहुत ज़्यादा ड्राई होने वाली है। तो हमें हमारी स्किन को एक्स्ट्रा केयर देनी है, हमारी स्किन को केयर की ज़रूरत है। तो खिंची खिंची त्वचा हो जो हमें सर्दियों में अच्छी नहीं लगती है, हम इरिटेट होते हैं कि कितनी रूखी सूखी त्वचा हो गई है, तो इससे बेटर है कि हम अपनी त्वचा का अभी से ख्याल रखना शुरू कर दें। दोस्तों, बाज़ार में मिलने वाले बहुत सारे मॉइस्चराइज़र सर्दियों में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अगर किसी को बाज़ार के प्रोडक्ट नहीं पसंद है तो वह घर में बना भी अपना देसी मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकता है। नहीं समझे, मैं बताती हूँ। दोस्तों, हम घर में रोज़ दूध लाते हैं, दूध को बॉईल करते हैं, तो उस पर मलाई भी आती है। जी हाँ, जो वो मलाई आती है वही हमारा देसी होममेड मॉइस्चराइज़र है। दोस्तों, उस मलाई को देख के हम ऐसे मुंह बनाते हैं, खाते नहीं, क्योंकि चाय में तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम खाना इसलिए पसंद नहीं करते, हमें लगता है कि हम मोटे हो जाएंगे, हमारा वेट बढ़ जाएगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपको खाओगे तो ही काम चलेगा, आपको तो स्किन पे लगानी है। तो वो मलाई आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिससे हमारी स्किन पर, चाहे वो चेहरे की त्वचा हो, हाथों की हो, पाँव की हो, ठीक है, सर्दियों में ठंड की वजह से वो रूखापन आना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे सर्दियों के मौसम और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, वक्त बढ़ने लगता है, तो वो पपड़ियाँ सी जमने लगती है। तो इससे बचने का यही एक रास्ता है कि हम जैसा चाहे वैसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, दिन में करें, सुबह को करें। तो दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका जो होममेड, जिसे हम देसी तरीके से बनाया हुआ मॉइस्चराइज़र भी कह सकते हैं, जो बनाने की भी ज़रूरत है, जो फ्री में मिलता है, जो हर किसी के घर में अवेलेबल है, वो भी ईजिली। तो दोस्तों, जब भी आपकी रूखी त्वचा होनी शुरू हो जाए तो आप क्या कीजिएगा कि थोड़ी सी मलाई हाथ में ले लीजिएगा, जितनी भी ज़रूरत है आपको, थोड़ी सी हाथ में लेके, हाथ में मल के फिर अपने चेहरे पर लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन को नमी मिलेगी, जिससे वो रूखी नहीं होगी। सुबह लगाइए, ईयर आपको सोते वक्त लगाइए। सोते वक्त दोस्तों, जब आप सो रहे हों तो मलाई और मलाई के अंदर हल्की सी हल्दी, अगर आप चाहें तो हल्दी और मलाई दोनों मिक्स करके लगाते हैं तो हमारे चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे चेहरे पर दाग धब्बे या स्पॉट्स हैं, तो स्किन हमारी मलाई और हल्दी के मिक्सचर से, यानी मलाई और हल्दी को हमारे चेहरे पर मलने से धीरे धीरे हमारे चेहरे के दाग धब्बे भी कम होने लगते हैं। अगर आपको सुबह नहीं पसंद, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, तो आप मलाई की क्वांटिटी कम करके लगा सकते हैं। देखो दोस्तों, सर्दियों में इतना तो चलता ही है, मॉइस्चराइज़र क्रीम में भी तो थोड़ी नहीं होती है ना, तो मलाई ही सही। मलाई लगाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, रात को सोते वक्त लगाइए। अगर हल्दी मिक्स करना नहीं चाहते, बिल्कुल इतनी चुटकी भर हल्दी, बिल्कुल इतनी सी, तो आप सिर्फ सादी मलाई ही लगा सकते हैं हाथ पे, पैरों पे। मलाई की जो नमी है वो काफ़ी देर तक बनी रहती है। अगर आप सुबह उठते हैं, उसके बाद नहाने के बाद अच्छे से वो मलाई वैसे भी उतर जाती है, और अगर फिर आप लगाना चाहें, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो फिर से लगा सकते हैं। और मलाई कभी भी कितनी बार भी अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। मलाई में जो नमी है वो काफ़ी देर तक ठहरती है, और मलाई आपकी टैनिंग को भी दूर करती है, जिससे हमारी स्किन के दाग धब्बों में भी छुटकारा मिलता है। हाथ, पैर और फेस की स्किन के लिए मलाई एक बेहतर विकल्प है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक तरीके का देसी मॉइस्चराइज़र है जो आपके लिए सर्दी में बहुत काम आने वाला है, वो भी फ्री में।
थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर ये इंफॉर्मेशन आपके काम की हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।